लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है जी। इसमें आपने बेटे एक इलेक्ट्रिक करंट आई जो है ये इस सोलिनोइड को बेटा वी सप्लाई दिस पर्टिकुलर करंट। यू ऑलरेडी रिमेम्बर दैट बेटा इफ एट ए पर्टिकुलर फेस वी आर हैविंग द पोलैरिटी ऑफ द करंट, लेट मी ड्रॉ ऑन दिस साइड ब्रदर, इफ वी आर हैविंग द करंट फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस बेटा एट सम पर्टिकुलर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर सोलिनोइड, तो वहां पे आपका बेटे वो जो है पोलैरिटी दैट विल बी द नॉर्थ पोल बेटा। एंड अदरवाइज अगर आप इस सेटअप को देखो आपका करंट क्लॉकवाइज अगर होगा इट विल बिकम साउथ पोल, यू रिमेंबर दैट, इट्स वेरी गुड साइन। देन ये बेटे सारा करने के बाद आपने, आपको याद होगा अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसके इंटीरियर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटे प्रोड्यूस हो जाया करता है कुछ इस तरीके से ये, और अगर आप इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बेटा प्लॉट करते हो इट जस्ट लुक्स लाइक दिस बेटा, इस तरीके का देखने को लगता है। और अगर आप सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्लॉट करोगे तो ये लाइंस ऐसे जाएंगी और कुछ ऐसे अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, समथिंग लाइक दिस बेटे। और ये देखिए आपका लाइन इस तरीके से है, ये लाइन आपका ऐसे है। एक बात याद रखिएगा हमेशा, इन द केस ऑफ द सोलिनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल आउटसाइड द सोलिनॉइड। व्हेन वी आर टॉकिंग इनसाइड द सोलिनॉइड दिस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फिर से बेटे सुनिएगा ध्यान से, आउटसाइड द सोलिनॉइड व्हेन आई व्यू दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इट मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटिंग एट द साउथ पोल। सेकेंडली वी हैव ऑलरेडी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लर्न दैट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस कर्व्स बेटा, इट कर्व विल बी कॉन्टिन्यूस व्हेन दिस पार्ट ऑफ द कर्व इट विल बी जॉइंड एंड हेयर इट इज द साउथ पोल इट इज द नॉर्थ पोल and in this manner in the interior of the solenoid your magnetic lines of force they run from the south to the north direction, so this is to be kept in mind. Now if I have the comparison with the bar magnet, let me draw the bar magnet also alongside this with a we have this bar magnet say, and bar magnet has got north pole and this must be the south pole. Generally, when we see the your bar magnet in the laboratory, there is a particular dot drawn on one side of the bar magnet indicating the north pole and the other pole obviously will be the south pole. So, ये यहाँ से जो magnetic lines of force start होंगी, these will be terminating at the south pole बेटा, and you have already plotted this pattern in your lower classes also, keeping this thing in mind that आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं बेटा ये कैंसल आउट नहीं करती हैं, ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन या सॉरी व्हेन दे विल बी क्रॉसिंग ईच अदर वहां पे दो डायरेक्शंस की पॉसिबिलिटी हो जाती है विच इज रॉन्ग, राइट बेटा। अब बेटे कंपेरेटिव स्टडी आपके सिलेबस में है, उन्होंने दो तीन इंपॉर्टेंट बातें अपने माइंड में याद रखिएगा, इस सोलिनॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, इसके इंटीरियर में फील्ड स्ट्रांग उतना नहीं होता। दूसरी बात, इसके बाहर फील्ड बड़ा वीक होता है, इसके बाहर इन रीजन्स में आपका फील्ड वीक नहीं होता बल्कि स्ट्रांग होता है, राइट बेटा। और आप इस केस में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नोट कर सकते हो, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बेटा सोलिनॉइड की आप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो, कैसे? आपको याद होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n इनटू i राधिका, है ना, तो B आपका डायरेक्टली n पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो B बढ़ जाएगा, B आपका डायरेक्टली i पे डिपेंडेंट है बढ़ा दो बढ़ जाएगा, और सबसे जरूरी इस सोलिनॉइड के अंदर
इमेजिन कर लीजिए मेरे ये पास सॉफ्ट आयरन का एक कोर है, आई जस्ट इंट्रोड्यूस इट इनटू दिस सोलेनोइड, इंसर्ट इट रादर, तो ये इसकी म्यू नॉट की वैल्यू को बदल देता है। सॉफ्ट आयरन के लिए म्यू की वैल्यू लगभग अंदाजे से बोल रहा हूँ 5000 के आसपास होती है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपके कंट्रोल में है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप इसको बदल सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। और सबसे जरूरी, इमेजिन करिए आपके पास ये कोई मटेरियल है, आप इसको मैग्नेट बनाना चाहते हो, आप इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑन कर दो, पार 1 2 3 4 और नंबर ऑफ आवर्स जितना भी आपको चाहिए, तो ये आपका अपने आप मैग्नेट बन जाएगा। सो ये इन दोनों का डियर चिल्ड्रन कंपैरेटिव स्टडी है, आपको ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑलरेडी आते ही हैं, वैसे ये नहीं मैं कहता नहीं आते हैं, इनको आपने एक बार दोबारा फिर से देख लेना, राइट बेटा? ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, आप निकल ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, स्टील भी ले सकते हो, स्टील से आप परमानेंट मैग्नेट बनाते हो ना, एल्निको स्टील बोलते हैं, आपने सुना होगा लोअर क्लासेस में कभी कि नहीं, तो काम की बात भी सुना करो ना, एल्निको, अल्मीनियम निकल कोबाल्ट, इनका कुछ परसेंटेज उन्होंने मिक्स किया होता है, इनको मिलाकर अलॉय बन जाता है एल्निको, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मटीरियल इन ऑर्डर टू मेक द परमानेंट मैग्नेट्स। एंड इन दिस वे बेटा आपको जितने भी परमानेंट मैग्नेट्स देखते हो वो स्टील या एल्निको स्टील से बनाए जाते हैं, राइट बेटा? चलें जी आगे बेटे, सो आइए कंसंट्रेट करें, इसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर हमारे पास जो है दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म एंड इट्स कॉज एंड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इसके बाद आपका चैप्टर जो है ये फिनिश्ड है और आपका काम बढ़ेगा, फिर एक्सरसाइज करेंगे हम उसके बाद में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, समझने वाला कंसेप्ट है, इसमें कोई लिखने वाली बात इतनी है नहीं, थ्योरी बेस्ड ही है ये सारा। ये आप अर्थ को अगर एक बेटे एक स्फेरिकल बॉडी मान लेते हो और आपका जो अर्थ है ये इसके सेंटर में से पास कर रही लाइन जो है आप इसको एक्सिस ऑफ द अर्थ बोल देते हैं, और प्रोबेबली आपके ये ज्योग्राफिक एक्सिस कहलाते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस, इधर भी इधर। अगर हम बेटे एक मैग्नेट को एक थ्रेड के साथ टाई करने के बाद सस्पेंड कर दें, मान लीजिए इस रूम में जैसे आप बैठे हो, ये एक मेरे पास मैग्नेट है, मैंने एक अनस्पन थ्रेड लेकर इसको सस्पेंड कर दिया ऐसे, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। आपको पता है हमारे यहाँ नॉर्थ किधर है साउथ किधर है बेटा? एनी वन फ्रॉम योर साइड बेटा, भूमिका क्या, भव्या, सॉरी, यस बेटा, हमारे इस रूम में नॉर्थ किधर है साउथ किधर है? याद रखिए, आप थोड़ा आपको याद रखने की जरूरत है, अगर हम इस तरफ चले जाएं, आगे चलते जाएं चलते जाएं, डीएवी कॉलेज के पास एक छोटी सी नहर आती है, डीएवी कॉलेज से आगे एक नहर आती है छोटी सी, याद रखिएगा नॉर्थ नहर वाल, साउथ शहर वाल, शहर इधर है इधर नहीं 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 अमृतसर नहीं जाना, हम जलंधर की बात कर रहे हैं, नॉर्थ, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मेमोरी एड फॉर यू पीपल। बेटे प्लीज, अगर आप अपने रूम में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, काम कर रहे हो, आपने एक थ्रेड को सस्पेंड किया है, सॉरी मैग्नेट को सस्पेंड किया है विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, आपका नॉर्थ इधर पॉइंट करेगा, साउथ इधर, नॉर्थ नहर वाल, साउथ शहर वाल, आप इस चीज को अपने माइंड में रख सकते हो। और ध्यान दीजिएगा इधर जरा, ये आपके ज्योग्राफिक एक्सिस हैं, अगर मैं मैग्नेट को बेटे सस्पेंड कर देता हूं तो मैग्नेट बिल्कुल इन एक्सिस के ऊपर एडजस्ट नहीं करता अपने आप को, मैग्नेट बेटा थोड़े से एंगल पे अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है। अगर मैग्नेट का, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेट का नॉर्थ ये है, मैग्नेट का साउथ ये है,
और मैं ये लाइन को एक्सटेंड कर लूं तो ये आपके मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएंगे बेटा, इधर मैग्नेटिक, दीज आर मैग्नेटिक एक्सिस बेटे। और देखिए इनके बीच में एक छोटा सा एंगल बन रहा है, इस एंगल की बात करेंगे बाद में, राइट। अब देखो जब आप अपने मैग्नेट को सस्पेंड करते हो, मैग्नेट तो इस डायरेक्शन में तभी जाएगा अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का साउथ इधर होगा। अर्थ को हम एक मैग्नेट की तरह अगर ट्रीट करें, अर्थ का जो साउथ पोल है वही इस मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इट विल मीन दैट बेटा, अगर हम अर्थ को एक बहुत बड़ा मैग्नेट मान लेते हैं, तो जिस तरफ आपके मैग्नेट का, जिसको आपने सस्पेंड किया था, नॉर्थ पोल आ रहा है ओरिएंटेशन में, उस डायरेक्शन में आपके अर्थ का साउथ होगा, उसी डायरेक्शन में अर्थ का नॉर्थ होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा नॉर्थ साउथ का, ठीक है जी। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। और ये जो एंगल है जो आपके जोग्राफिक और मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे के साथ बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स में आता है, आगे चल के बात करेंगे। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज वीक मैग्नेटिक फील्ड, 0.3 टेस्ला के करीब करीब आपके नेशनल कैपिटल में इसकी वैल्यू है। अगर न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में आपके अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला के करीब करीब है। अगर आप अर्थ की सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाते जाओ जाते जाओ जाते ही जाओ, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटे कम होती जाती है, और स्पेस में फिर आपको बेटे जो बाकी के आपके जो सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और कई बार सोलर फ्लेयर के टाइम पे जो चार्ज पार्टिकल्स सन से निकलते हैं उनकी वजह से डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो इस कंसेप्ट के बाद बेटे बात आ जाती है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट बेटा। तीन थ्योरीज दी गई है। पहली थ्योरी है अर्थ जो है ये बेटे अपने एक्सिस के राउंड अबाउट रोटेट कर रही है, ये एक्सिस के राउंड अबाउट, और ये कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है बेटा, बिल्कुल ठीक 24 आवर्स, इतने टाइम में ये चक्कर कंप्लीट कर लेता है अर्थ अपने एक्सिस के राउंड अबाउट। और इसका मीनिंग ये हुआ कि जब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के बेटे राउंड अबाउट जो आयंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो हैं बेटा, दीज आर आल्सो सेट इनटू रोटेशन, और वो जो रोटेटिंग आयंस हैं वो सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स ही हुए ना बेटा, वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे बेटे इंड्यूस कर देते हैं। और वो इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक करंट का लूप है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसी को तो हमने कल कहा था कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, सॉरी इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, निकाला था ना कल हमने एम इज इक्वल टू आई इन टू ए करके। तो अगर आपका अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ के राउंड अबाउट ये चार्ज पार्टिकल्स भी रोटेट कर रहे हैं, और दीज आर इक्वल और इक्विवेलेंट टू सर्कुलेटिंग करंट्स, एंड दीज सर्कुलेटिंग करंट्स दीज मैग्नेटाइज द अर्थ, राइट बेटा। दूसरी थ्योरी, सोलर, अगर बेटे फ्लेयर की बात करें, सन से चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते रहते हैं, और वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रोटेट करके आपको ये सारा इफेक्ट दे देते हैं, इसने आपके अर्थ को मैग्नेटाइज कर दिया। एक बात और है, जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं ये आयंस से बने हुए हैं, कोई भी आप मटेरियल ऑब्जेक्ट की बात कर लो, एंड सो इज अवर अर्थ आल्सो बेटा। अगर अर्थ अपने एक्सिस के राउंड अबाउट रोटेट कर रही है तो अर्थ की सरफेस पे छोटे मोटे पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे बेटा, दीज विल आल्सो बी रोटेटिंग, और जब वो रोटेट करेंगे अगेन सर्कुलेटिंग करंट्स विल बी देयर एंड दीज करंट्स विल मैग्नेटाइज द अर्थ। दिस इज द सेकेंड थ्योरी पुट फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ। लेकिन ये दोनों थ्योरीज को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझा गया है। थर्ड थ्योरी एक और है, एक और थ्योरी दी गई है बेटा, थर्ड थ्योरी,
जिसके अकॉर्डिंगली आप सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि अर्थ के सेंटर पे आपका जो सेंट्रल लेयर है दैट इज कॉल्ड द कोर। और कोर में भी आइए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने की। अर्थ का जो कोर है ये भी बेटे आप आउटर और इनर कोर कुछ ऐसे करके स्टडी किया करते हो। ये इमेजिन कर लीजिए अर्थ का सेंट्रल कोर है, और आप खुद इमेजिन करिए अर्थ के सेंट्रल कोर पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो हैवी मेटल्स हैं दीज आर इन दी फॉर्म ऑफ आयंस, बेटे आयोनाइज्ड मैटर की फॉर्म में ये सारा कुछ पड़ा है। अब अर्थ ने क्या किया, अर्थ अपनी एक्सिस के राउंड अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, तो जितना भी हैवी मैटर मॉल्टन स्टेट में, मैं कह रहा हूं बेटा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी मेटल्स मॉल्टन स्टेट में आयनिक फॉर्म में सेंटर ऑफ द अर्थ पर एक्सिस ऑफ द अर्थ के अबाउट जब अर्थ रोटेट करेगी वो भी रोटेट करेंगे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा सर्कुलेटिंग करंट्स जनरेट हो जाते हैं, और ये सर्कुलेटिंग करंट्स आपकी अर्थ को क्या कर देते हैं, मैग्नेटाइज कर देते हैं, और आपके अर्थ का एक मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, एम इज इक्वल टू आई इन टू ए, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थ्योरी कंसिडर्ड सो फार बेटा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बेटे वो जो चार्ज पार्टिकल्स आपके कॉस्मोस से आ रहे हैं अर्थ के एटमोस्फियर में, मे बी कि उनका कंसंट्रेशन, उनका डेंसिटी इतना ना हो, वो उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट ना आपको प्रोड्यूस करके दे पाए। सेकेंडली एक बात और एक्सपेरिमेंटली नोट की गई है कि मून हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है बेटा, उसके कोर में ऐसा हैवी मेटल्स मॉल्टन स्टेट में ये कंसिडर किया गया है कि नहीं है, और इसीलिए मून का मैग्नेटिक फील्ड भी नोटिस नहीं किया गया। सो इसीलिए थर्ड थ्योरी को ज्यादा प्रोमिनेंट कहा गया है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया बच्चों सारे स्टूडेंट्स को बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में? हाँ जी बेटे। इसके बाद बेटे हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, आइए फिनिश करें एंड देन लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट डिस्कशन बेटा। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग आपने प्रेजेंटली अभी अभी देखा था आपके मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक एक्सिस बेटे कंसाइड नहीं कर रहे थे। तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को बेटे थीटा बोलते हैं। सेकंड है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या आप इसको एंगल ऑफ डिप भी कहते हो, इसको डेल्टा से बेटे डिनोट करते हैं, इधर बेटे ध्यान दीजिएगा। तीसरा एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बेटे। आइए बेटे इनको वन बाय वन स्टडी करके देखें क्या ये तीनों कंपोनेंट्स हैं और हम इनको कैसे स्टडी कर पाएंगे। ये बेटे आपका अपना अर्थ अगर हम इमेजिन कर लें, ये आपके ज्योग्राफिक एक्सिस हमने ड्रॉ किए थे, ये मैग्नेटिक एक्सिस थे, और ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में ये जो एंगल है बेटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन थीटा। मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूं बेटे तो वी कैन से दैट एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक
axis is called angle of declination theta. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वे है जिसके साथ आप इसको डिफाइन कर सकते हो, उसमें दो एडिशनल टर्म्स आ जाती हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक मेरिडियन में जरा समझिएगा ध्यान से, अगर आप कोई वर्टिकल प्लेन अर्थ के एक्सिस में से पास करता हुआ ड्रॉ कर दो, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन. वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, ये थोड़े टिल्टेड है ना, अगर एक ऐसा है तो दूसरा थोड़े एंगल पे होगा. वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज कॉल्ड बेटा योर मैग्नेटिक मेरिडियन. तो आइए पहले मैं ये दो टर्म्स को बेटे डिफाइन कर दूं, मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है. आपको ये जरूर पता होना चाहिए, वर्टिकल प्लेन बेटा, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज कॉल्ड बेटे मैग्नेटिक मेरिडियन एंड वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस, इसको बोल देते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन. लेट मी ड्रॉ दीज मेरिडियंस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट इन मोर डिटेल. इमेजिन कर लीजिए आप ये दोनों को कुछ इस तरीके से प्लॉट कर लेते हो. एक आपके पास ये मैग्नेटिक मेरिडियन है बेटा, ये वर्टिकल प्लेन जैसे अभी आपको मैं इंडिकेट कर रहा था. इमेजिन दिस टू बी द मैग्नेटिक मेरिडियन. एंड सेकेंडली ये बेटे आपके पास आपका है ज्योग्राफिक मेरिडियन बेटा, ये आपको इंडिकेट किया था अभी मैंने, ज्योग्राफिक मेरिडियन. एंड डियर चिल्ड्रन कंसेंट्रेट अपॉन द एंगल, दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन द टू. इसको आपने बोला था एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. अर्थ की सरफेस पर किसी भी पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये मान लीजिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर है, ये बेटे पुत्र ध्यान देना, ये आपके मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड बेटे योर एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. मैं रिपीट करूंगा, अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ने जितना एंगल हॉरिजॉन्टल ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बना रखा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ बेटा इंक्लिनेशन. अब आप इसको बेटा दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो, एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा बेटा वर्टिकल, एक आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और ये आपका जो है लेट इट बी वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज आर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी कह देता हूं, आर वाज फॉर रिजल्टेंट, दिस इज बी साइन डेल्टा, और ये आ जाएगा आपका बी हॉरिजॉन्टल बी कॉस डेल्टा बेटा. सो इनको आप बेटे कुछ इस तरीके से डील कर सकते हो, बी हॉरिजॉन्टल, जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज बी कॉस डेल्टा,
horizontal component of Earth's magnetic field, resultant intensity of the Earth's magnetic field, angle of dip or angle of inclination. And dear students, B vertical, this is B sine delta. अगर बच्चों हमें डेल्टा नहीं पता हो, हमें निकालना पड़ जाए कहीं पे, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स पता हो, तो आप इनको इक्वेशन नंबर 1 and 2 मार्क करके 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए. बी वर्टिकल डिवाइडेड बाय बी हॉरिजॉन्टल. राइट साइड पे क्या लिखूं मैं भूमिका? हाँ जी, b साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई, तो b आपका कैंसल आउट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद tan डेल्टा b वर्टिकल अपॉन b हॉरिजॉन्टल. कई बार आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी नहीं पता होती, नहीं गिवन होती, यू आर प्रोवाइडेड विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ओनली, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों का बेटे स्केयर करके ऐड कर दो. स्केयर करोगे इसका अगर, तो क्या बनेगा लिखवाओ जरा. बी हॉरिजॉन्टल का स्केयर बोलो आगे, बी बी स्केयर कॉस स्केयर डेल्टा. बहुत अच्छे, इसका भी लिखवाओ. हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब क्या करें, एड कर देना चाहिए. वेरी राइट. देखा, अब लिखोगे तो अपने आप आएगा ना. ऐसे यही बात कहता हूं मैं, इनको एड कर दीजिए आप. सो दिस इज बी हॉरिजॉन्टल का स्केयर, बी वर्टिकल का स्केयर, राइट साइड पे बी स्केयर कॉस स्केयर डेल्टा प्लस, तो ये कितना है 1. तो बी स्केयर विल बी इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल b वर्टिकल का स्केयर, एंड यही लिख देता हूं मैं. आपका जो नेट b है बेटा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b हॉरिजॉन्टल का स्केयर प्लस b वर्टिकल का स्केयर. बेटा एक मिनट आपका और लूंगा. डियर चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा, हमने अपने अर्थ के जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं बेटे, 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स स्टडी किए हैं. तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहला था हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन थीटा, जिसको आपने बोला था सिंपली दैट इज द एंगल बिटवीन योर मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस. और दूसरा हमने कहा था एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ध्यान से सुनिएगा, अर्थ की सरफिस पे किसी भी पॉइंट पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपने स्टडी कर ही लिया है बेटा. सो इन दिस वे हम इनको डील कर सकते हैं. ये बेटा डियर, योर गुड नेम मैं भूल गया, प्लीज करण. इन मैथमेटिकल डिटेल्स को आपने नहीं भूलना है, आपके काम आएंगी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटा. आपका कोई पॉइंट है तो जरूर शेयर करिए. थर्ड, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BH. सो आई कैन सी सिया वंशिका, बेटे बैठो एक मिनट. सिया वंशिका अभे अंशिता एंड आर्यन और क्षितिज लक्ष्य मानविया सुप्रिया रोहन कृतिका एंड यस बेटे आगे सुशांत. तो बेटे ये चैप्टर आपका फिनिश है, इसको ध्यान से पढ़िएगा एक बार. कल हम बेटे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. थैंक यू ऑल बेटा.